Hi guys, it's Minie. Welcome back to my YouTube channel. So I'm very excited for this video because today I'm going to do a challenge from outfit for scratch video. क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे videos करे थे outfit from scratch के, but मैंने पहले कभी भी एक certain amount decide नहीं करा था कि कितने में अपना outfit from scratch ready कर सकती हूँ. But this time I have decided a budget. जिसके विद इन आई हैव टू डू दिस वीडियो एंड ऑफकोर्स आई हैव टू मेड एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. ओके, सो मैंने आपको अभी तक अपना बजट नहीं बताया. सो गाइज, माई बजट इज ₹1000. सो अंडर 1000 आई हैव टू मेड दिस होल आउटफिट. एंड एज यू ऑल कैन सी, आई एम इन माई हुडी राइट नाउ बिकॉज विंटर्स आर हेयर और बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम है. सो आई एम प्लानिंग टू डू अ वेलवेट वाले स्टफ में कुछ आउटफिट. सो ये मेरा डिसाइडेड है कि मुझे कुर्ता और पैंट्स करवाने हैं और मैंने कुछ पाकिस्तानी सूट के इंस्पिरेशंस ले रखे थे फ्रॉम पिनिंटरेस्ट. मैं यहाँ पर मैंशन कर रही हूँ पिक्चर. सो दीज वर माई इंस्पिरेशंस. नाउ कमिंग टू द सोर्सिंग. सो पहले मुझे अभी अपना जो है, मुझे कपड़ा जो है वो सोर्स करना है फ्रॉम द लोकल मार्केट एंड उसके बाद आई सी कि वॉट नेक्स्ट आई कैन डू. लेट्स सी, मार्केट में जाके देखते हैं हमारे पास क्या क्या कलर ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे मैं कर सकती हूँ. पहले मैं सोची थी कि मैं कुर्ता और पैंट जो है वो सेम फैब्रिक के रखूँ, दैट इज़ ऑफ वेलवेट. बट आई थिंक, मम्मा बोल रही थी कि स्टिचिंग का जो है वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है. सो आई थिंक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में 1000 नहीं हो पाएगा. लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट और नॉट. और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी बार्गेनिंग अच्छे से अच्छे करने की, ताकि जो मेरा जो फैब्रिक है मेनली वो थोड़ा मुझे कम पड़े. एंड ऑल्सो गाइज, वेलवेट जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयरिंग टू अदर जो हम और भी फैब्रिक्स लेते हैं. सो मैंने डिसाइड करा है कि मैं कुर्ता लूँगी ऑफ वेलवेट का. अभी एक्चुअली मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस कलर स्कीम में जाने वाली हूँ. आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो लेट्स सी कि वहाँ जाके क्या सही लगता है. सो विदाउट एनी फर्दर डू एंड विदाउट एनी मेकिंग दिस इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो गाइज, ये फैब्रिक मुझे मिला था वेलवेट का और मैं आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ प्राइस के. सो 180 रुपीज़ पर मीटर ये मुझे रेड वाला वेलवेट मिला, विच बिकम्स 360 इन टोटल. एंड देन मैंने जो बनारसी सिल्क, आप लोग इसी सेम क्लिप में देखोगे, वो मुझे मिला 220 रुपीज़ पर मीटर, विच बिकम्स 440. सो टोटल मुझे 800 का टोटल फैब्रिक मिला. और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग साथ में गए थे सामान लेने, तो ये हम लोग लेस पसंद कर रहे हैं और मैंने सारे लेस जो थे फैब्रिक पर रख के इसलिए देखे थे ताकि हमें फाइनल आउटकम कैसा है उसका थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाए. सो इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी लेसेस हम रख कर देख रहे थे हमें किस टाइप की चाहिए थी. हमारे पास ऑलरेडी इंस्पिरेशन के लिए कुछ पिक्चर्स थे, सो हम फ़ोन से वो भी मैच कर रहे थे साथ साथ में. आप जैसे देख रहे हो क्लिप में, मैं कई सारे इसमें लेसेस जो है हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और फाइनलाइज कर रहे हैं. सो अराउंड मुझे 240 की लेस पड़ी थी, तो टोटल मेरा बजट जो था 1040 बना टोटल, जिसमें 40 रुपीज़ मुझे एक्सीड हो गए 1000 से. बट इतना चलता है क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में. और इसी में मैंने ये मोटिव्स लिए थे और जो हैवी वाली मैंने लेस, अभी आपको मैं बताती हूँ कौन सी वाली मैं कह रही हूँ. ये भी अच्छा लगेगा, तो इसमें और कलर है कोई? केवल कलर यही कलर आएगा, सिल्वर नहीं आएगा इसका. मैं भी देख लेता हूँ सिल्वर कौन सा डिजाइन. अच्छा भैया, सिल्वर ये मिल जाएगा. वो जिसमें गोल्डन सिल्वर के फूल हैं ये वाले आप दिखाना. चौड़ी है, नेक पे चाहिए होगी. अच्छा ये चौड़ी है, हाँ तभी भी आप दिखा दो. कटिंग करके लगा सकती हैं यहाँ से आप, इस तरीके की लगा लो. देखिए नेक पे चौड़ा चौड़ा अच्छा लग रहा है. नेक पे ज़्यादा चौड़ा वही तो मैं कह रहा हूँ, खुद चौड़ा. एक बेटा मीडियम फॉर वाइट थिंग ऊपर रख ले. ले आएगा बेटा तू, एक दिखाऊं तुझे. देख बता आ गए कहां है. आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस वन. इसे एलिमिनेट कर दो बिल्कुल इस तरीके से. नाउ बिटवीन दीस टू, एक ये वाला था सबसे पहले जो दिखाया था. खींच लिए, रखो रखो. सो गाइस, सबसे राइट में जो गोल्ड वाली लेस है ये हमने फाइनल करी थी और ये इन्होंने हमें दी थी 80 रुपीज़ पर मीटर. और ये शायद हमने टोटल ली है
4 meters की टोटल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो इतनी हमने टोटल ये वाली लेस ली थी, बाकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लेसेस ली थी नेक लाइन वगैरह के लिए, वो आगे आप लोग वीडियो में जरूर देखोगे। सही बात है, ये येलो टोन में ज्यादा है वैसे। सही कह रहा है ये, इसका टोन मैच कर रहा है। ये जब हम खड़े करके लगाए इस पे लगवाएंगे तो गिरेगा ना लट्टू? ये गिरेगा वजन से, ये नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा? तो फिर यही वाला ठीक है, दामन और उसके लिए स्लीव्स और दामन के लिए नेक पे मोटा लगेगा। मेरी अमाउंट की फैशन नहीं हुई, अच्छा लग रहा है ये, मेरे ख्याल से आधे मीटर में हो जाएगा काम। अरे रितेश हम ऐसे ही लगाना है, ऐसे मत लगा तेरे लिए, ये तो बहुत बुरा हुई, पूरी ऐप उल्टा लगेगा ये। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है एंड दैट इज कि जो मेरा सूट है वो विद इन 1 आवर स्टिच नहीं हो पाएगा एंड द टेलर जिनके पास मैं जाती हूँ करवाने, ही रिफ्यूज़ कि वो 1 डे के विद इन नहीं दे पाएंगे। मुझे कल इवनिंग में वो पहनना है और आज नहीं हो पाएगा स्टिच। आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब वीडियो देख के अपना सूट खुद स्टिच करने वाली हूँ एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सारी स्टिचिंग खुद करी है, ऐसी रफ स्टिचिंग करी है, मतलब फाइनल वाली नहीं, बट लेट्स सी कि अब इस बार मैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही महंगा मैं फैब्रिक लेकर आई हूँ, सामान लेकर आई हूँ एंड अगर वो वेस्ट हो गया तो आई एम थोड़ी सी, मैं फिंगर्स क्रॉस कि क्या होने वाला है, आई डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द स्टिचिंग प्रोसेस एंड I'll show you the final outcome. 2000 years later. I won't waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time. So guys, this is my outfit and I am surely in love with this because ek to ye red hai and upar se I stitched it by myself and this is a neckline, maine V neckline choose ki thi aur because thoda sa elongate lagta hai isse and this is how my kurta looks like. Ye maine niche lower pehen rakha hai, wait bahut zyada thank mein shoot kar rahi hu, please this video ko please bahut pyare de। सो गाइस दिस इज़ द कुर्ता और मैंने काफ़ी लूज़ करा है जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर मैं वार्मर पहन सकूँ या फिर कुछ भी ऐसा गर्म पहन सकूँ क्योंकि काफ़ी नीड रहती है ठंडों में। मैंने स्लीव्स भी लूज़ रखी हैं। सो ये सारा पाकिस्तानी थीम के ऊपर था मेरा पूरा टोटल आउटफिट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। पैंट्स अगेन बनारसी सिल्क के हैं, सो एज यू कैन सी काफ़ी शाइन है इस कपड़े में और दिस इज़ हाउ माई पैंट्स लुक लाइक। एंड ऑल्सो मैं आपको बैक कैंड दिखाऊँ, ये वेलवेट स्टफ़ है तो काफ़ी वार्म रहता है अंदर से। अगेन लेस वर्क, देन दीज मोटिव्स, बहुत ही प्रिटी मोटिव्स मैंने लगाए हैं इस पर। देन अगेन दिस इज़ द लेस जिसके बारे में बात करी थी आपको, ये मिली थी मुझे 80 rupees पर मीटर एंड अगेन इसको मैंने यहाँ बॉर्डर बॉटम लाइन पर लगाया है एंड ऑल्सो बैक पर लगाया है कुर्ते के। एंड गाइज दैट्स इट विद माई आउटफिट। मैंने इस तरह कोई दुपट्टा वगैरह कैरी नहीं किया एंड इस तरीके से मैंने कुछ मेकअप किया है इसके ऊपर, रेड लिपस्टिक एंड कुछ वाई नॉट। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये आउटफिट अंडर बजट के बजाय मुझे आउटफिट 24 hours चैलेंज में ज़्यादा लग रहा था। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपको इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल एंड या कमेंट्स में बताना जरूर बिल्कुल मत भूलना एंड कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा। और गाइस प्लीज़ कमेंट्स में सॉरी सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत थक रही हूँ, 8 hours से ऊपर हो गया शूट को आज दिन से। और या प्लीज़ तो मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको आउटफिट कैसा लगा एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ 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 Please do subscribe to my channel and yeah, I'll see you all in my next one. Till then, take care, bye bye.